महाराष्ट्र में सोयाबीन के साथ साथ अब कपास की भी खरीदी शुरू हो चुकी है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में दशहरे के अवसर पर किसान बड़ी संख्या में कपास बेचने के लिए पहुंचे हैं। असल में औरंगाबाद जिले में दशहरे के अवसर पर कपास की खरीदी शुरू हुई है, जहां किसानों को कपास का रिकॉर्ड रेट मिला। जिले के सिलोट तालुका के बंकिनहोला इलाके में स्थित कपास बाजार में किसानों को दशहरे के अवसर पर कपास का दाम 11,000 रुपए प्रति क्विंटल तक मिला है। कपास के ये दाम मिलने से किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। असल में विजयादशमी के अवसर पर व्यापारियों ने 11,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कपास की खरीदी की, जिसके बाद किसानों ने संतोष व्यक्त किया। किसानों का कहना है कि अगर यही भाव आगे भी मिलते रहे तो हमें मुनाफा और ज्यादा बढ़ सकता है। पिछले साल सीजन के अंत में किसानों को कपास का 13,000 रुपए प्रति क्विंटल दाम मिला था। किसानों ने कहा है इस साल दाम की शुरुआत अच्छी हुई है और आगे भी उम्मीद कर रहे हैं कि यही भाव मिल सकते हैं। सिलोट तालुका की तरह ही दशहरे के शुभ अवसर पर पैठन तालुका के तकलीत अम्बाद और कई क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों पर कपास की खरीदी शुरू हो चुकी है। दरअसल दशहरे के अवसर पर सुबह तकली अम्बाद में तोल कांटे की रस्म अदा कर शिव फल का पूजन किया गया, जिसके बाद ही नई फसल की खरीदी और बिक्री शुरू की गई। आपको बता दें कि आमतौर पर कपास की कीमत 1700 से 8000 रुपए प्रति क्विंटल के बीच होती है। वहीं सुजल कृषि उद्योग की ओर से पहले ही दिन 10 क्विंटल कपास खरीदी गई है। पिछले साल आखिर चरण में इसी जिले में कपास 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बिका था। उधर औरंगाबाद जिले में भी किसानों द्वारा कपास की खेती बड़े पैमाने पर की गई, लेकिन इस साल बारिश ने शुरू से ही जोरदार कहर बरसाया और कई जिलों में खेतों में पानी भर जाने से फसलों की वृद्धि रुक गई। कहीं कहीं तो फसलों के पीले होने की भी तस्वीर दिखाई दे रही है। ऐसे में इस साल कपास की आवक कम होने की संभावना जताई जा रही है। अगर आवक कम होती है तो निश्चित रूप से कपास की कीमत और बेहतर हो सकती है, लेकिन वही कीमत अच्छी मिल भी सकती है तो अंत में किसानों को उत्पादन में गिरावट का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।